हम शुरू करते हैं अपनी जर्नी। ये था हमारा डे वन। हमने फटाफट से कैब बुक करके अपने पहुंचे पहले सबसे पहले एयरपोर्ट टर्मिनल टू। हमने सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए, चेक इन करा और लगेज का सब किया, और उसके बाद हम चारों पहुंचे अपने एयरपोर्ट अपनी फ़्लाइट को बोर्डिंग के लिए। हमने सब अपने काम कर लिए थे, चेक इन वगैरह। फिर हमने सोचा थोड़ा एयरपोर्ट घूम लें, एयरपोर्ट घूमे, हमने थोड़ा खाया अपना, फिर हम निकले फटाफट से बोर्डिंग के लिए। उससे पहले हमारे पास थोड़ा सा टाइम था तो हमने थोड़ी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक वगैरह करा ली, जो भी करना था। फिर हम बैठ के अपना स्केड्यूल देख रहे थे नेक्स्ट डे का कि हमें जाके नेक्स्ट डे क्या करना है, तो उसी बीच हम ये अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और अपनी फ़ोटो वीडियोज़ बना रहे हैं। तो हम पहुंच गए अपने बोर्डिंग के लिए और यहाँ पे हम चारों जा रहे हैं। इतना सुंदर और प्यारा व्यू था। हम जा रहे थे बस में बैठ के अपने प्लेन तक, और उसके बाद हमने अपना ये छोटा सा वीडियो बनाया क्योंकि हमारी जर्नी यहीं से स्टार्ट हो रही थी चारों की, और ट्रिप में बहुत मज़ा आने वाला है। सारे पार्ट्स में सब दिखाया जाएगा, देखना ज़रूर। ये हम पहुंच गए प्लेन में और यहाँ पे हम अपनी अपनी सीट्स पे बैठ गए, और यहाँ पे एयर होस्टेस अपने इंस्ट्रक्शन दे दी थी। मतलब व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एयर होस्टेस के इंस्ट्रक्शन सुनना। लेट हो चुके थे, हमने एयरपोर्ट से ही अपने लिए बर्गर पहले से ही ले लिए थे, तो यहाँ पे हम पहले अपने बर्गर वगैरह खा रहे थे, बट हमको बर्गर से हमारा पेट नहीं भरा, तो हम लोगों ने वहाँ पे ही फ्लाइट में ही अपने लिए नूडल्स और कोक वगैरह ऑर्डर कर लिए थे, तो वही हम खा के और फिर हम पहुँच गए अपने, लैंडिंग कर चुके थे हम गोवा, और यहाँ पे इतना प्यारा मौसम हो रहा था। हम थोड़ा लेट हो चुके थे बट हम पहुँच गए, और इसके बाद हमने सिर्फ अपना होटल में चेक इन किया और सो गए, और नेक्स्ट डे से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।